Good afternoon, everyone. Welcome to Belcom Bankers Adult. Today we are going to discuss reasoning quiz for IUPS exam 2019, 1st March. So today is day one of March month kar IUPS fate 2019. So move to question number first. If A plus B means that A is the mother of B, and A divided by B means that A is the brother of B. A multiplied by B means that A is the son of B. A minus B means that A is the sister of B. Which of the following means that C is the sister of D? हमें बताना है कि C किसमें sister of D है. तो अगर हम first case देखें, तो first में हमें given है C minus P. C minus P means C is sister of P, and P divided by D means P is the brother of D. So इससे हमारे को direct दिख रहा है जो C है, वो sister of D है. तो ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा. हमें बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत भी नहीं है. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कोटेड ब्लड रिलेशन पे है. इसमें हमें कोड गिवन है प्लस मल्टीप्लाई माइनस. इनको हमें डिकोड करके अपना आंसर निकालना है. तो हमारे से इन्होंने पूछा है व्हेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू अबाउट सी माइनस बी प्लस ए बी. C माइनस ए प्लस बी. तो अगर हम देखें C माइनस ए, C माइनस ए मीन्स C इज द मदर ऑफ A, एंड देन हमें गिवन है A प्लस बी. A प्लस बी मीन्स A इज द फादर ऑफ B. देन अगर हम देखें बात करें ऑप्शन ए की, तो उसमें गिवन है B इज द सन ऑफ A. तो B सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं है एग्जैक्ट. तो ये तो गलत होगा ऑप्शन. नाउ ऑप्शन बी, ए इज द सन ऑफ सी. तो ये हमारा राइट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें हमारे को साफ क्लियर दिख रहा है कि ए हमारा सन है सी का. तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड. डायरेक्शन 3 to 4. स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन बिलो. Each of the five friend A, B, C, D, E travel different distances to their workplaces. Then इसमें हमें given है कि जो पांच friend है A, B, C, D, E, ये अलग अलग distance move travel करते हैं अपने workplace पे जाने के लिए. तो जो इसमें given है जो A है वो travels more than B, जो A more than B है but less than E. Then हमें given है D travels more than only C. अगर D खाली only C से ज्यादा है तो ये हमारी final arrangement आ जाएगी. देन इसमें हमें गिवन है द वन हु ट्रेवल्स द मोस्ट ट्रेवल्स 30 किलोमीटर. तो ई 30 किलोमीटर ट्रेवल करेगा एंड बी ट्रेवल 15 किलोमीटर. तो ये हमारे पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी. तो देन इसमें हमारे से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हु अमंग्स द फॉलोइंग पॉसिबली ट्रेवल्स 5 किलोमीटर टू वर्क प्लेस. तो पॉसिबली 5 किलोमीटर तो या तो डी करेगा या सी करेगा. तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर होगा, इधर सी और डी. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ. क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इन्होंने हमारे से पूछा है हु अमंग्स द फॉलोइंग पॉसिबली ट्रेवल्स 20 किलोमीटर टू वर्क प्लेस. 20 किलोमीटर खाली एक ही ऑप्शन हमारा ए, क्योंकि बी 15 करता है, ई 30 करता है, तो बीच में एक ही बंदा बच्चा जो 20 कर सकता है. तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव में इन्होंने हमें गिवन है Going 50 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम हर हाउस. कि जो साउथ जा रहा है हर हाउस से. सुमित टर्न्स लेफ्ट एंड गोज, उसके बाद वो लेफ्ट टर्न हुआ. ट्वेंटी किलोमीटर मूव कर रहे हैं. देन हमें इसमें गिवन है Then turning to the north, he goes 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर ऊपर जाता है. तो ये हमारा फाइनल डायग्राम आ जाएगा इसका. देन इन्होंने हमारे से पूछा है देन स्टार्ट वॉकिंग टू हिज हाउस. तो यहाँ से वो अपने हाउस की तरफ मूव करने लग गया. तो हमें बताना है कि वो कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है. तो वो हमें पता है कि वो नॉर्थ वेस्ट में मूव कर रहा है. तो ऑप्शन ए नॉर्थ वेस्ट इसका राइट आंसर होगा. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सिक्स. डायरेक्शन 6 to 10. इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन रिलेशनशिप बिटवीन सम एलिमेंट्स इज शोन इन द स्टेटमेंट. दिस स्टेटमेंट आर फॉलोड बाय टू कंक्लूजन. रीड द स्टेटमेंट एंड गिव आंसर. जैसे कि हमें क्वेश्चन नंबर सिक्स में स्टेटमेंट गिवन है, उसका दो कंक्लूजन हमें बताना है कौन सा फॉलो कर रहा है. तो एफ ग्रेटर देन इक्वल टू एन. तो जैसे कि एफ है हमारा, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू आई है एंड आई ग्रेटर देन वाई. देन इसमें हमें गिवन है
अगर हम f और n के बीच में रिलेशन देखें तो w के उससे आ सकता है, देन इसमें गिवन है f ग्रेटर देन y आ रहा है, f लेस देन इक्वल टू w आएगा, क्योंकि ये हमारा रिलेशन ऐसे बनेगा, o ग्रेटर देन f, f लेस देन इक्वल टू l, l इक्वल टू w, देन हमें गिवन है w ग्रेटर देन इक्वल टू n, f हमें गिवन है जो f है वो ग्रेटर देन इक्वल टू i है एंड i ग्रेटर देन y है, देन हमें गिवन है f ग्रेटर देन r। अगर हम अब f और ग्रेटर देन n का रिलेशन देखें तो ये तो हमारा कोई रिलेशन नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों के बीच में हमारे अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, तो कंक्लूजन फर्स्ट फॉल्स होगा। नाउ कंक्लूजन सेकंड, o इज ग्रेटर देन y, तो जो o ग्रेटर देन f है एंड f ग्रेटर देन इक्वल टू i, i ग्रेटर देन y, तो कंक्लूजन सेकंड हमारा ट्रू होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे से इन्होंने पूछा है, कंक्लूजन फर्स्ट, ओ लेस देन आर, अगर ओ की बात करें तो ओ और आर को लिंक कर रहा है पी, जो ओ है वो लेस देन इक्वल टू पी है एंड पी लेस देन आर है, तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो हमारा ट्रू होगा। अब बात करें सेकंड कंक्लूजन की, टी लेस देन के, टी और जो के को लिंक कर रहा है बीच में वेरिएबल वो है हमारा ओ, तो टी हमारा लेस देन ओ है और ओ लेस देन इक्वल टू के है, तो हमारे से सेकंड भी कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, तो जो उसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ई, बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट कंक्लूजन हमारा एन ग्रेटर देन एफ, तो जो एन है और एफ है, एन और एफ को अगर हम देखें लिंक कर रहे, तो एन और एफ को हमारा डायरेक्ट गिवन है एफ ग्रेटर देन आई एंड आई लेस देन इक्वल टू एन, दोनों के बीच में अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो फर्स्ट फॉलो नहीं करेगा और सेकंड भी फॉलो नहीं करेगा, पर इन अगर हम दोनों कंक्लूजन को देखें कि जो एफ है वो लेस देन एन बी गिवन है हमें और एफ हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू एन बी है, तो तीनों सिंबल आ रहे हैं बीच में, तो ये इधर और का केस बन जाएगा और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे से फर्स्ट कंक्लूजन में पूछा इन्होंने ओ ग्रेटर देन एन, अगर ओ और एन के बीच में रिलेशन देखें तो जो ओ है वो ग्रेटर देन टी एस है और टी ग्रेटर देन एन है, तो फर्स्ट हमारा कंक्लूजन फॉलो करेगा। नाउ मूव टू सेकंड कंक्लूजन, सी ग्रेटर देन एन, सी ग्रेटर देन आर है, आर लेस देन इक्वल टू टी एंड टी ग्रेटर देन एन, दोनों के बीच में अपोजिट साइन आते हैं, तो इसमें कोई डेफिनेट आंसर नहीं आएगा, तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा फर्स्ट कंक्लूजन हमारे से पूछा है वो है पी लेस देन ई, अगर हम बात करें पी और ई के बीच के सिंबल की, तो जो पी है पी और ई को लिंक कर रहा है हमारा सी, पी लेस देन क्यू है, क्यू लेस देन सी है और सी हमें गिवन है जो सी है वो ग्रेटर देन डी, डी लेस देन ई, अपोजिट सिंबल आ रहे हैं, तो जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है वो फॉल्स होगा। देन सेकंड कंक्लूजन, ए लेस देन डी, तो अगर हम देखें तो डायरेक्ट ही दिख रहा है हमें जो ए है वो इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, अपोजिट साइन आ रहे हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड फॉलो। नाउ मूव टू डायरेक्शन 11 टू 15। स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जैसे कि हमें पता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, तो लेफ्ट एंड से पूछा है 15 और 6 टू द लेफ्ट ऑफ 15, तो 15 माइनस 6 इज इक्वल टू 9th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो 9th एलिमेंट है हमारा एम्परसेंड, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कंसोनेंट एंड नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, तो हमें कॉम्बिनेशन ऐसा ढूंढना है जो कि जो नंबर प्रिसीडेड बाय कॉन्सोनेंट हो पर फॉलो ना करे लेटर को, तो अगर हम देखें तो ऐसा हमारा खाली क्यू थ्री एम परसेंट, एक तो हमारा ये पैटर्न बन रहा है, और अगर हम बाकी बात करें तो टी एट द रेट नहीं नंबर नहीं है हमारा, के फाइव दोबारा लेटर आ रहा है ये भी नहीं बनेगा, वी वन डब्ल्यू इसमें भी लेटर आ रहा है ये भी नहीं बनेगा, वाई टू भी, तो कंसोनेंट नंबर
तो ई हमारा इसमें वो वाला, तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन एच एट जी जी लेटर ऐसे भी नहीं करेंगे। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली वन सच अरेंजमेंट इज देयर, दैट इज Q3 ampersand। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को हमारे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट। सिंबल की बात करें, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, लेटर को फॉलो कर रहा है बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, नंबर नहीं आना चाहिए। तो अगर हम देखें, तो अगर स्टार्टिंग से देखें तो हमारा एक तो इसमें बन रहा है एट द रेट कॉपीराइट यू, एट द रेट कॉपीराइट यू। देन हमारा इसमें बन रहा है, सिंबल की बात करें तो नंबर नहीं आना चाहिए, डब्ल्यू डॉलर वाई। देन हमारा बन रहा है इसमें जी एंड एंड जेड। तो इसमें हमारे ये तीन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ओनली थ्री सच अरेंजमेंट्स आर देयर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे से पूछा है हाउ मेनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट इमीडिएटली प्रिसीड कॉन्सोनेंट ही कर रहे हैं, इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल। तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट सिंबल वाला हमें पैटर्न देखना है। अगर हम देखें तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट सिंबल, तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं बन रहा हमारा इसमें। तो ऑप्शन ए नन इसका राइट आंसर होगा। नाउ मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज क्विज, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो अगर इसकी हम सीरीज देखें तो पी जे और क्यू, तो पी हमारा यहाँ पे है और पी जो जे है वो सेकेंड टू द राइट ऑफ पी है, एंड क्यू भी हमारा सेकेंड टू द राइट ऑफ जे है। देन दो लेटर छोड़ जो देन हमारा दो एलिमेंट छोड़ के टी आ रहा है, एंड टी के सेकेंड राइट में कॉपीराइट है, एंड कॉपीराइट के सेकेंड राइट में हमारा के है। तो हमारा पैटर्न तो बदल गया। आप देखते हैं जो हमारा गैप है एलिमेंट्स का वो भी सेम है कि नहीं। तो अगर इसमें देखें जो हमारा थर्ड है वन डॉलर टू, तो ये भी दो छोड़ के आया है फाइव और वी, देन आया वन सेकेंड राइट में डॉलर, देन सेकेंड राइट में टू। तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा वो आएगा सिक्स नाइन एंड एच, सिक्स नाइन एच आएगा हमारा अरेंजमेंट, जो कि हमारा ऑप्शन ई। सो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्विज है दैट इज फॉर आईबीपीएस 2019 2019 एंड इट इज फॉर मंथ मार्च एंड इट्स आईबीपीएस 2019 फॉर देयर इंग्लिश लैंग्वेज क्विज डिस्कशन मार्च डे वन। आज का जो हमारा क्विज है दैट इज बेस्ड ऑन सेंटेंस इंप्रूवमेंट। स्टार्ट करते हैं हमारे क्विज से, डायरेक्शंस पढ़ते हैं। डायरेक्शंस 1 to 15, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस गिवन बिलो ईच सेंटेंस शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन बोल्ड लेटर्स टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली करेक्ट। चूज द बेस्ट ऑप्शन अमंग द फाइव गिवन ऑल्टरनेटिव्स दैट रिफ्लेक्ट That reflect the correct use of phrase in the context of the grammatically correct sentence. If the sentence is correct as it is, mark no change required as your answer. जैसे कि आप directions में देख सकते हैं, sentence improvement पे ही है ये पूरा quiz. Sentence improvement.
एक फ्रेज पूरा सेंटेंस है उसमें एक सेक्शन हाईलाइटेड है. हाईलाइटेड पार्ट को आपको फर्स्ट चेक करना है whether it is correct or not. If this part is incorrect, then you have to select which of the following options is correct. Which of the following options given below can replace the incorrect part. Let's start with the first question. The man's dishonorable dismissal from the military made his inglorious in his wife's eyes. If we consider the part, the military made his. यहाँ पर हमें सीधा एरर दिखेगा his में. His will not be used. Instead, him will be used. Because यहाँ पर object pronoun जो होगा that will have the objective nature. तो him has the objective nature. His does not. तो सीधा हमारे ऑप्शंस में देखेंगे यहाँ पर हिम का यूज है. द मिलिट्री मेड हिज इज रॉन्ग. यहाँ पर हिम का यूज नहीं है. द मिलिट्री मेड हिज अगेन दैट मिलिट्री हिम मेड हिज इज रॉन्ग. द मिलिट्री मेड हिम बाकी चीजें सही थी. द मिलिट्री हेड हिम सही है. द मिलिट्री मेक हिज रॉन्ग. नो चेंज रिक्वायर्ड. आंसर इज सी. Question number two. Women empowerment has become the buzzword today with women working alongside men in all spheres. With women working alongside. Women empowerment ki yahan baat hui hai. It's a plural word. Women. Yahan hum dekhen highlighted part mein women hai. Singular hai. To error is very clear. Women and women. तो हमें बस all the three words are correct. Instead of women, it should be women. So we just have to mark the answer which contains women instead of women. With women working alongside is correct. With women work alongside. With women work alongside. With women worked alongside. Answer is A. While it is true that women by and large do not face discrimination in society today, unfortunately many of them face exploitation and harassment which can be diverse of diverse types, emotional, physical, mental and sexual. Do not face discrimination. Yahan par faces nahi hoga because subject verb agreement hum consider karenge. Since women is plural and faces is the verb here, but faces is singular. It should be face. जब हम subject verb agreement की बात करते हैं तो if the subject is plural, subject verb plural है तो ये भी plural होगा, singular है तो ये भी singular होगा. यहाँ पर सब्जेक्ट हमें जो दे रखा है दैट इज प्लूरल एंड द वर्ब इज सिंगुलर. तो डू नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन इन इज करेक्ट. डू नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन इन रॉन्ग. डू नॉट फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन नो. डू नॉट फेस डिस्क्रिमिनेशन इन टू रॉन्ग. आंसर इज ए. नेचुरल डिजास्टर्स कैन नॉट बी प्रिवेंट फ्रॉम अकरिंग बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द नेचुरल एनवायरमेंट इन विच वी लिव. cannot be prevented for occurring. यहाँ पर अगर हम देखें cannot be prevent from occurring में it should be cannot be prevented. cannot be prevented. cannot के साथ कभी भी pause. simple में हमेशा simple past आएगा. ये ध्यान रखना है cannot be prevented for occurring. cannot be prevented from occurring. yes sahi hai. cannot be prevented from occur. no. cannot be prevented from occur. no. answer is B. there is an urgent need to focus our attention on natural disasters that are taking place across the world due to the damage that has been done to the environment.
Is an urgent needed to focus are in an urgent needed to focus for in an is an urgent need to focus are is an urgent need to focusing are. यहाँ पर अगर हम देखें टू है which is wrong. टू का मीनिंग इज एक्सेसिव और also. टू इज एन adverb. इट इज एन adjective फॉर a verb. इट adds intensity to a verb. तो यहां पर हम adverb यूज नहीं करेंगे. वी विल यूज द preposition टू. Preposition to instead of the adverb to. So is an urgent need to focus are. Is an there is an urgent need to focus are. तो यहाँ पर is an urgent need to focus are. बाकी सारे options गलत है. Answer is A. Question number 5. Answer is A. Answer is C. Question number 6. There is increasing consciousness across the world about the environment in the wake of natural calamities, but it is not making any difference on the actual ground. It is not making any. यहाँ पर अगर हम देखें but it is not making any is grammatically correct. कोई error नहीं है. तो no change required. 6 का is no change required. Answer is E. Human response to natural calamities require proper planning and emergency management. Require proper planning. Human response यहाँ पर हमारा subject है. Natural calamity subject नहीं, human response है. Require हमारा verb है. अब यहाँ हम देखें ये है हमारा singular but ये हमारा plural है. तो ये गलत है. यहां पर होना चाहिए था requires होना चाहिए था. requires proper planning and emergency. आंसर इज बी. 7 का है बी. requires proper planning although requiring proper planning and आंसर इज बी. Despite tremendous scientific and technological advancements, we do not exactly knowing when and where a particular disaster will strike. Knowing nahi hoga idhar, no hoga. We do not exactly know when. Answer is D. Natural calamities are occurrences that take place as natural disturbances resulting in widespread destruction of lives and properties. That take place as natural disturbances. ये ग्रामेटिकली सही है. इसका आंसर है ई. एरर नहीं है इसमें. आंसर इज ई. साइक्लोन्स अकर्स ड्यू टू टेम्परेचर एंड प्रेशर वेरिएशंस इन द ओशन. साइक्लोन्स इधर प्लूरल है. अकर्स वर्ब है यहाँ पर ये सिंगुलर है. तो एरर यही है क्योंकि ये सिंगुलर है. अकर ड्यू टू इज करेक्ट. इसका आंसर है The society, voluntary organizations, and lawmakers have an obligation to put an end to the evil practice of child labor in India.
तो यहाँ अगर हम देखें यहाँ पर तो टू एज अ प्रेपोजिशन से यूज किया गया टू पुट एन एंड टू द इविल, तो अगेन यहाँ पर एडवर्ब जो यूज किया गया है टू इसका यूज गलत है. यहाँ पर अगेन प्रेपोजिशन टू यूज होना चाहिए था टू पुट एन एंड टू द, टू पुट एन एंड टू द. इस करेक्ट आंसर इज बी. Factors such as poverty, lack of social security, the increasing gap between the rich and the poor have adversely affected children more than any other group. यहाँ पर कोई error नहीं है. Answer is E. Due to high poverty and poor school opportunities, children labor, child labor is quite prevalent in India. High poverty and poor school. High poverty and poor school. Poor school नहीं होगा, एक phenomenon की बात हुई है तो schooling होना चाहिए. High poverty and poor schooling. Answer is D. High poor and poor schooling नहीं, highness poverty नहीं, high poverty and poor schools नहीं. Answer is D. Government authorities and civil society organizations need to work in tandem to free children engaged in labor under abysmal conditions. यहाँ पर कोई error नहीं है. Need to work in tandem to free correct है. Answer is E. The coarse young man was do not sure which fork to use during the appetizer portion of the meal. Was do not sure, यहाँ पर do का use incorrect है, do use नहीं होना चाहिए. Was not, इसको omit करेंगे और कोई error नहीं है. Was not sure which, answer is A. तो guys ये था हमारा discussion for March day 1, IBPS 2019 English language quiz. Good afternoon friends. Today we are going to discuss quantitative TTET quiz for IBPS, okay, 1st March 2019. So today is day 1 of month of March for Kar IBPS 2019 Fateh, okay. So the March month is begun. The topic is simplification. So here we will discuss the question based on simplification. So the directions from 1 to 15 is given as simplify the following problems. Okay, so the first question of this quiz is 56% of 958 plus 67% of 1008 equal to question mark percent of 2000. So 56% means 56 upon 100 into 958 plus 67 means 67% means 67 upon 100 into 1008 is equal to 20 into question mark, because 2000 divided by 100 will be 20. So from here if we solve this, here this will be 958 multiplied by 56, so this is 16 into 8, 16 into 5, 30, 34, 34, 54, 55, 56, 57, 5 into 8, 40, 0, remainder 4, 5 into 5, 25, 25, 4, 29, remainder 2, and 5 into 9, 45, 45 to 40, 7. So this is 8, 4, 9, 7, 16, 7, 5, 12, 1, 13, and 5. So divided by 100, it means 536.48. Plus similarly, this will be here 1008 into 67. So this is 56, okay,
0, 7, this is 48, 0, 6. Okay, 6, 3, 5, 7, 6, and divided by 100, it means 675.36. Okay. This is this. Now this is equal to 20 into question mark. So from here we add these two, 536.48 and 675.36. This is 4 and this is 43718. This is 1. This is 7310 1 11 and this is 6511 and 112. So this is 1211.84 divided by 20. This is equal to question mark, and the value of question mark will be, if you solve this, this will be 60.592. okay, so this is the required answer. And if you look at options, A will be the right option. Okay, next question, question number second. In the second question, square root of 5929 plus square root of 8464 equal to question mark to the power 2. Okay, so here question mark to the power 2, and this is the square of 77. 5929 is the square of 77, and 8464 is the square of 92. So this will be 729, and this is 16. So this is plus minus 13. Square of 13 is 169. Okay, so the value of question mark is 13, and if you look at option, C will be the right option. Okay, next question, question number third. In the third question, 47 into 588 divided by 28 into 120 equal to question mark. So this can be written as 47 into 588 divided by 28 into 120. Okay, so here this is 30 and this is 1 4 28, so 7. Okay, this is 147. When we divide 588 by 4, this will be 147, and here 7 is also common. So this is 7, 28 divided by 7 is 4, and this is 2 1. Here this is 10, this is 7. So finally this will be 47 into 7 divided by 4, 0. Okay, so this will be 7 into 7, 49, remainder 4. 7 into 4, 28. 28 and 4, 32 divided by 4, 0. So this is 8 and 2.25 divided by 10. So this is 8.225. This is the answer. And if you look at options, C will be the right option. Okay, next question, question number fourth. In the fourth question, 5 by 8 of 4 by 9 of 3 by 5 of 2 to 2 equals to what? So this can be written as 5 by 8 of, means multiplication, 4 by 9, 3 by 5 into 2 to 2. Okay, so here this is 2, this is 3, this is 5. So finally this will be 2 2 by 6. Okay, so here this is 3, this is 1 1 1, that is 111/3. So this can be written as 3 and 7. So 3 7 will be the answer. And if you observe the options, D will be the right option. Okay, next question,
Question number fifth. In the fifth question, okay, next question, question number fifth, 7 4 1 5 6 minus question mark minus 3 2 1 minus 20 plus 520 equal to 6 9 8 9 4. Okay, so directly unknown quantity will be one side and known quantity will be another side. So question mark is unknown quantity, so we'll put all the known quantities left side and unknown quantity question mark on right side. So this will be 7 4 1 5 6 minus 3 2 1 minus 20 plus 520 minus 6 9 8 9 8 9 4. Okay, we add these two and these three, so this is 7 4 1 5 6 520. This is 6 7 6 4 7, so 7 4 6 7 6 minus this is 6 9 8 9 4, and this is 321 and 20 341, so this is 341 5, this is 13 3 8 3 11 1 12 9 1 10 0 and this is 7, so 7 0 2 3 5. So final answer will be 6 minus 5 1, 7 minus 3 4, and 6 minus 2 4, and 4 minus 0 4. So 4441 will be the answer, and if you look at options, B will be the right option. Okay, next question, question was 6th. In the 6th question, 21 square minus 3717 divided by 59 equal to question mark into 8. So this will be square of 21, that is 441 minus 3717 divided by 59 is equal to question mark into 8. So here if we divide 3717 by 59, this will be 441. If you multiply 59 and 63, so this is 7, okay, and this is 15 to 17 7 6 9 4, and 6 into 5 30 35, okay, so this will be 7 1 7 3, that is 3717, so this will be 63 is equal to question mark into 8. So here 441 minus 63, this will be 8, here 3, so 13 minus 6 7, and this is 3, so 378 divided by 8 equal to question mark. Here 4 is common, so this is question mark is equal to this is 9, so 2 is common, so this is 1 8 9, okay, divided by 4, so here this will be 4 297.25, 47.25, this is the required answer, and if you look at options, D will be the right option. Okay, next question, question was 7th. In the 7th question, 2 into 1 by 2 minus 1 into 1 by 16 equal to question mark plus 1 into 1 by 32 minus 1 into 9 by 64. So
question mark will be equal to 2 into 1 by 2 minus 1 into 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 into 1 by 16 minus 1 into 1 by 32 and plus 1 into 9 by 64. So we will separate integer part and fractional part. So integral parts are 2 minus 1 minus 1 plus 1 and fractional part are 1 by 2 minus 1 by 16 minus 1 by 32 plus 9 by 64. So here this is 1 plus LCM will be 64 and this is 32 minus 4 minus 2 plus 9. Okay, so this will be 1 plus 9 minus 6 4 to 6, so 9 minus 6 is 3 and 32 and 3 35 by 64. So finally this will be 1 into 35 by 64. This is the answer, and if you look at options, E will be the right option. Okay, next question, question number 8. In the 8th question, 0.008 into 0.01 into 0.0072 divided by in bracket small bracket 0.12 into 0.0004 equals to what? Okay, so here 0.008 into 0.01 into 0.0072 divided by 0.12 into 0.0004. Okay, so here 3 after decimal, 3 terms, here 2 terms and here 4 terms, so we will convert these all in integral parts. So this will be 8 into 1 into 72 into 10 to the power 3, 2 and 4. So 3, 4, 7 to 9 minus 9 divided by also this in integral parts into 10 to the 4 and 2, 10 to the power minus 6. So here this is 72. So this is 2. And this is 6, so finally this will be 12 into 10 to the power minus 3, or we can write this 0.012. this is the answer, and if you look at options, D will be the right option. Okay, next question, question number 9th. In the 9th question, 8 into 2 by 7 of in the square bracket 4963 minus 3395 plus 265.75 equal to question mark plus 2455.6. So here 8 into 7 56 to 58 divided by 7 into 4963 minus 3395. So this is 13 minus 58 and 15 minus 9 6 and 8 minus 3 5 and this is 1, that is 1 5 6 8 plus 2 6 5.75 minus 2 4 double 5.6 equal to question mark. So here this is 2 1 6, that is 14, so this is also 2 and 2 8, so this is 4. So 58 into 2 to 4, so 2 to 4 into 58, this will be 8 into 4 32, 3 remainder, 8 into 2 16 16 3 19, 1 remainder, 8 into 2 16 1 17, this is 0 2 and this is 11. Okay, so this is 2 9 9 2 1, so this is 1 2 double 9 2 plus 265.75.
So 265.75, this is 5, 7, 7, 9, 6, 15, 9, 2, 11, 1, 12, 2, 3, 1. The 1, 3, 2, 5, 7 minus 2, 4, 5, 5.6. So this is 1, 3, 2, 5, 7.75 minus 2, 4, 5, 5.6. So here this will be 1, 3, 2, 5, 7.75 and 2, 4, 5.6, 5, 1, 2, 0. 12 minus 4, 8, and this is 0, 1. So 10802.15. This is the answer, and C will be the right option. Okay, next question, question number 10th. In the 10th question, in small bracket, 1.06 plus 0.04 to the power 2 minus question mark equal to 4 into 1.06 into 0.04. If we assume 1.06a and 0.04b, then the equation will be a plus b whole square minus question mark, and here 4ab. So question mark will be a plus b whole square minus 4ab, and this is equal to a minus b whole square. Okay, when we expand this a plus b whole square, then we will find a minus b whole square, and a is 1.06 minus 0.04 to the power 2. So this will be 1.02 square. So 1.02 square will be 4, 0, 2, 0, 0, 0 and 2, 0, 1. So this is 4, 0, 4, 0, 1 and 4 point decimal. So this is 1.0404. So this is 1.04 and 0.4. That is, E will be the right option. Okay, next question. Question number 11th. In the 11th question, in small bracket, 5568 divided by 87 to the power 1 by 3 plus 72 by 2 to the power 1 by 2 equal to question mark to the power 1 by 2. So 5568 when divided by 87, 5568 87, here 3 is common, so this is 1, 8, 18 into 3, 54, 1, 6, that is 5, and 6, this is 2, 9. Okay, and here when we divide 1856 by 29, this will be 64. When we divide 1856 by 29, this will be 64, because 4 into 9 36, or we can check 64 into 29, this is 6. 9 into 6 54 54 357, this is 128. So this is 6 5 8 1 1 8 5 6. Okay, so this is 64, and 64 to the power 1 by 3 plus this is 36 to the power 1 by 2 is equal to question mark to the power 1 by 2. So this is 4, this is 6, this is question mark to the power 1 by 2. So value of question mark will be 100. Okay, that is D will be the right option. Okay, next question.
question number 12. In the 12th question, square root of 13 square plus 28 divided by 4 minus 3 to the power 3 plus 107. So this is 13 square means 169 and 28 by 4 is 7 minus this is 27 plus 107. So this is 169. 107 and this will be minus 20, so this is 6 and this is 7, this is 2, that is 276 minus 20, this will be equal to 256 and square root of 256 will be 16 16, so B will be the right option. Okay, next question, question number 13th. In the 13th question, 0.49 to the power 4 into 0.343 to the power 4 divided by 0.2401 to the power 4 is equal to 70 by 100 to the power question mark plus 3. Okay, so here this is 0.49 can be written as 0.7 to the power 2 into 4, so this is 8. And this can be written as 0.7 to the power 3 and into 4, that is 12, and divided by this is 2401, so this is 7 to the power 4 is equal to 2401. So this will be 0.7 to the power 4 into 4, that is 16, and this will be equal to 0.7 to the power question mark plus 3. So here we will equate the base of both side, so this is 8 and 12, 20 and minus, here base are same, so powers will be subtracted in division case, so this is 0.7, 20 minus 16, that is 4, and this is 0.7 question mark plus 3. Here base of both sides is same, so powers will also be same, so question mark plus 3 is equal to 4, so value of question mark will be 1. Okay, so the right option will be B. Okay, next question, question number 14th. In the 14th question, 45% of square root of 2025 divided by 0.01 equal to question mark to the power 2 divided by 25. So this is 45% means 45 100, and square root of 2025 will be 5 will come squaring 5 and there 20. So square of 4 is 16, this is less than 20. Okay, and if we square 5, this will be 25, this is greater than 20, so this will be taken, so here this is 4 5, so this is the square of 4 5, that is 45 divided by 0.01, okay, equal to question mark to the power 2 divided by 25. Here this is cancelled, so question mark to the power 2 and this is 45 into 5 to the power 2, so value of question mark will be 45 into 5, this is 225. So our answer is 225 and option will be C. Okay, next question and last question of this quiz, question number 15th. 18.5 into 21.4 into question mark equal to 6255.22. Okay,
The question number 15th is 18.5 into 21.4 into question mark equal to 6255.22. Okay, so here question mark will be equal to 6255.22 divided by 18.5 into 21.4. So here we will remove decimals. So this is 6255.22 divided by 185 into 214. Okay, when we solve it, when we solve this, here this will be 2923 divided by 185, and when we divide 2923 by 185, this will be equal to 15.8. okay, so this is the answer. And if you look at options, in option A 15.8, so option A will be the right. Okay, so this is the end of this quantitative aptitude quiz. Thank you so much friends for listening to me, and best of luck for your exams.